हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय भारत और मैं सिमरन। पिछले करीब 24 घंटे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक बच्चा गाड़ी का शीशा साफ करने के बहाने अपने हाथ में बंधी एक घड़ी से फास्टैग स्कैन कर लेता है। इसके बाद वो बच्चा वहां से भाग जाता है। वायरल वीडियो में कुल 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। 2 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं और एक बच्चा जो गाड़ी का शीशा साफ कर रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स का दावा है कि इस तरह से फास्टैग से पैसे चुराने का स्कैन चल रहा है। आइए पहले दिखाते हैं आपको कि ये पूरा वीडियो। तो देखिए, ये एक छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है। आपको लग रहा होगा छोटा सा बच्चा सफाई कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको जादू दिखाऊंगा। ये देखिए कैसे साफ कर रहा है। अब बताऊंगा, सुन, रुपए तो लेता है, ऐसे ही जा रहा है बिना रुपए लिए। पैसे ही लेगा? पैसे नहीं लेगा, पैसे लेगा ना, तो ऐसे तो साफ करके चलती है, पैसे तो ले लेता। बस ऐसे ही साफ करते हो तुम लोग, पैसे ही लेते? पैसे लेता है ना, कितने पैसे को जा रहा था। अच्छा ये बता, ये घड़ी है तेरे हाथ में? अभी बताऊंगा इसकी पूरी कहानी, पर ये हाथ आ जाए। तो मैं बता रहा हूँ इसकी कहानी क्या हुआ। पता नहीं कहाँ चला गया उसे, पकड़ा गया। क्या हुआ, आया नहीं क्या पकड़ में? भाई वो भाग गया खेत में कूद के। खेत में कूद के भाग गया? आ जा, तुझे पता चला क्या करा उसने? पता नहीं, सफाई तो करता था वो। तेरे समझ नहीं आया क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ, देख क्या हुआ। ये क्या है? फास्टैग है। ये फास्टैग है। और जब मैंने उससे पूछा कि घड़ी है ये, तो ठीक है, पहली चीज तो ये कि वो गाड़ी साफ करने वाला, उसके हाथ में इतनी महंगी घड़ी क्या कर रही, महंगी लग रही थी। हाँ, वो एप्पल जैसी लग रही है। ठीक है, एप्पल जैसी भी है वो, ठीक है। और उसने यहाँ से गंदा है, यहाँ से गंदा है, वो आया इधर, दो कपड़े मारे और सीधा फास्टैग पे आ गया, ऊपर चढ़ गया। हाँ, ऊपर चढ़ गया। और तूने देखा, पहले वो सीधे हाथ से कर रहा था, और जब फास्टैग पे आया ना, तो उसने उल्टे हाथ से ऐसे करा। अच्छा, उल्टे हाथ से वो क्या करा, तो अब मैं समझाता हूँ कहानी क्या हुई है। हुआ क्या, मतलब क्या ही था, वो आया ऐसे, हम फिर उसने घड़ी की पूछी हमने, वो भाग गया। तो ये ना अभी नया स्कैम शुरू हुआ है, ये लोग क्या करते हैं, इसे भी नहीं पता, ये लोग क्या करते हैं कि आते हैं, इन्होंने उनके जो गाड़ी साफ करते हैं रेड लाइट पे, या जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं भीख मांगने वाले, कुछ बंदों ने उनके हाथ में, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं इन बच्चों को पता होगी, उनके हाथ में घड़ी दे रखी। वही वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोग इसे शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सरकार की बहुत बड़ी खामी साबित हो सकता है, जिससे कि फास्टैग की विश्वसनीयता ही खतरे में पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो के पीछे की सच्चाई क्या है। दरअसल ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पहली बात ये है कि कोई भी शख्स यूं ही आपका फास्टैग स्कैन नहीं कर सकता है। फास्टैग से सिर्फ उसी अकाउंट के जरिए पैसे कट सकते हैं जिसे सरकार ने इजाजत दी होती है। वही वीडियो के वायरल होने के बाद सरकारी संस्था PIB फैक्ट चेक ने भी ट्वीट करके वायरल वीडियो को फर्जी बता दिया है। PIB ने साफ कहा है कि हर टोल प्लाजा का एक यूनिक कोड होता है, और जैसे ट्रांजैक्शन होने का दावा वीडियो में किया जा रहा है, वैसा तो मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि इस मामले में पेटीएम का नाम भी उछाला जा रहा था, तो पेटीएम ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसे गलत बताया है। पेटीएम ने लिखा है कि NETC दिशा निर्देशों के अनुसार फास्टैग भुगतान केवल अधिकृत व्यापारियों द्वारा शुरू किया जा सकता है। परीक्षण के कई दौर के बाद ऑनबोर्ड किया गया पेटीएम फास्टैग पूरी तरह से सुरक्षित है। वैसे सोचने वाली बात तो ये है कि अगर इस तरह फास्टैग स्कैन कर पेटीएम से पैसे उड़ाए जा सकते हैं, तो सारी गाड़ियां तो पार्किंग में ही खड़ी रहती हैं। फिर अगर किसी की चोरी करना हो तो वो चाहे जब भी किसी गाड़ी से चोरी कर सकता है। वही वायरल वीडियो की सच्चाई के बारे में पता पड़ने पर मालूम चलता है कि ये वीडियो फर्जी है, और इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें माई भारत न्यूज़।